दोस्तों नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन कुमार, फिल्म गुरु फिल्म मेकर, आप सबका स्वागत करता हूँ सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी में। दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7219533205। दोस्तों अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हो, ऑनलाइन एक्टिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, एंकरिंग, वीडियो शूट, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बॉलीवुड में आना चाहते हो, आइए मुंबई, जुड़िए हमारे साथ और बॉलीवुड के सफ़र में आगे बढ़िए। दोस्तों आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का सब्जेक्ट हमने ये लिया है दोस्तों, आप सबके डिमांड पे लिया है। सब्जेक्ट ये है दोस्तों कि आप अगर मुंबई आते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुंबई आते हैं, कैसे मालूम करें, किस तरीके से मालूम करें कि कहाँ पे कास्टिंग टीम रहती है, कहाँ पे प्रोडक्शन टीम रहती है, कहाँ पे कास्टिंग एजेंसी है, कहाँ पे कास्टिंग यू नो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कहाँ कहाँ पे शूटिंग होती है, कैसे कैसे आप जेन्युइन लोगों से मिल सकते हो। दोस्तों इस विषय पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर वन, सबसे बड़ी बात यह है कि कास्टिंग एजेंसी और प्रोडक्शन हाउसेज में जाने की ज़रूरत आखिर क्यों है। इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि आपको वहाँ पे ऑडिशन देना होता है, वहाँ पे आपको मीटिंग्स करनी होती है और ऑडिशन देने के बाद, मीटिंग्स करने के बाद आपको काम मिलता है। टीवी सीरियल में हुआ, बॉलीवुड यू नो मूवी में हुआ, वहाँ पे जाके आपको काम मिलता है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको काम मिले, बॉलीवुड में काम मिले, कास्टिंग एजेंसी में काम मिले, प्रोडक्शन हाउसेज में काम मिले, बॉलीवुड मूवीज़ में काम मिले, सो दोस्तों उसके लिए आपको कास्टिंग एजेंसी, प्रोडक्शन हाउसेज जाना पड़ता है। अब मैं आंसर दूंगा किस तरीके से इनको सर्च करें। बड़ा ही सुंदर और सटीक आंसर मैं आप सबको देना चाहता हूँ। बड़ा ही सटीक आंसर ऐसा दूंगा दोस्तों जो आप आसानी से ढूंढ सकते हो कि कौन कौन से जेन्युइन प्रोडक्शन हाउसेज है, कौन कौन से फेक कास्टिंग एजेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेन्युइन कास्टिंग एजेंसी या प्रोडक्शन हाउसेज का डिटेल कैसे पता करें। आप सबसे पहले जो भी टीवी सीरियल आते हैं, से फॉर एग्जांपल दूरदर्शन में एक सीरियल आता है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, दूरदर्शन यानी डीडी नेशनल पे एक सीरियल आता है एक्स वाई जेड, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, google.com पे जाना है और लिखना है एक्स वाई जेड प्रोडक्शन हाउस नेम, एक्स वाई जेड सीरियल प्रोडक्शन हाउस नेम। अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना दोस्तों तो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज का नाम आ जाएगा। अब दोबारा उस नेम को, जैसे ABCD प्रोडक्शन हाउसेज आ गया, तो google.com पे दोबारा जाएं और लिखें ABCD प्रोडक्शन हाउस एड्रेस, उसका पता मिल जाएगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा और उसी जगह पे जो पता आपको मिल रहा है google.com पे, उसी जगह पे आपको जाके ऑडिशन देना है, उनसे जाके बात करना है, उनसे जाके पूछना है कि बॉस यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट आपके पास है, आई एम एन एक्टर, अपने प्रोफाइल आप दिखा सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। इंक्वायरी करने में बुरी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वे लोग मना करेंगे कि यहाँ पे ऑडिशन नहीं चल रहा है, लेकिन जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, जब तक आप मीटिंग के लिए जाएंगे नहीं, जब तक आप ऑडिशन देंगे नहीं, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि फेक लोगों का किस तरीके से मालूम करें कि ये लोग गलत हैं, ये लोग फेक हैं, ये लोग गलत हैं, इनके पास नहीं जाना है। दोस्तों जो भी कास्टिंग एजेंसी, जो भी प्रोडक्शन हाउस से जब आप मीटिंग के लिए जाते हो और आपसे वहाँ पर बोला जाता है कि बॉस ऑडिशन के नाम पे पैसे दे दो, पोर्टफोलियो के नाम पे पैसे दे दो, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, ये लोग गलत होते हैं, ये लोग फेक होते हैं, ऑडिशन के लिए पैसे नहीं लगते हैं, पोर्टफोलियो के लिए आपसे कोई बोलता है पोर्टफोलियो बना लो काम मिल जाएगा, ये सब गलत बात है। काम देने वाला आपको पर्सनालिटी को देख के, ऑडिशन को देख के आपको काम दे देगा। अगर आप मोबाइल क्लिक से फोटो देते हो ना, वो भी चल जाता है पोर्टफोलियो के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सही लोगों के साथ जुड़ेंगे। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो है सीखना। बॉस जब तक आप बेहतर ना बनो, जब से आप सबसे बेस्ट कलाकार ना बोलो, आप जाके ऑडिशन ना दें, इस बात का आप ध्यान रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, नमस्कार, लव यू ऑल, थैंक यू।